Still. आज यहाँ इंडियन हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट फेयर अरे जो 52 और क्या बोलते कई फेयर है अरे आप तो हटो और जो 28 तारीख से आज से 30 बजे तक चलने वाला है और जिसका आयोजन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट इन्होंने इसका आयोजन किया है और जिसमें देश भर में कम से कम 70 लाख लोग काम करते हैं तो ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट फेयर का यहाँ उद्घाटन हुआ है ऐसा मैं अनाउंस करता हूँ जाहिर करता हूँ और जो काम होता है बहुत ही शौक जो काम होता है बहुत ही शौक उसे कहते हैं हैंडीक्राफ्ट हाथ का काम होता है बहुत ही मुलायम हाथ का जो काम होता है ये बहुत ही होता है मुलायम उसमें कुछ भी नहीं होता है कम हाथ का काम होता है बहुत ही मुलायम उसमें कुछ भी नहीं होता है कम जम्मू कश्मीर में आतंकवादी रखते हैं बम जम्मू कश्मीर में आतंकवादी रखते हैं बम लेकिन हमारे कारागिरों में बहुत ही है कम महानगरों में तो होता है मेयर महानगरों में तो होता है मेयर लेकिन आज ग्रेटर नोएडा में हो रहा है दिल्ली हैंडीक्राफ्ट में सभी का होना चाहिए शेयर हैंडीक्राफ्ट में सभी का होना चाहिए शेयर इसलिए आज यहाँ हो रहा है दिल्ली फेयर तो आज हम यहाँ सब लोग आए हैं 28 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ये फेयर चलेगा जगह जगह लोगों यह आना चाहिए या परचेसिंग करना चाहिए गांव गांव से शहरों शहरों से जिन्होंने अपना हाथ से काम किया है उनको प्रोत्साहित करने के लिए सबने यहाँ आकर चीजों की तो खरीदी परचेस करना चाहिए और आज इस फंक्शन में हमारे टेक्सटाइल के सेक्रेटरी जो बिहार से बिलोंग करते हैं और वो यूपी सिंह जी जिन्होंने टेक्सटाइल के संबंध में हैंडीक्राफ्ट के संबंध में अपने विचार यहाँ रखे हैं श्री शंतनु जी डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट राजकुमार मल्होत्रा जो चेयरमैन है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट दिल्ली भेजे हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं कमल सोनी जी वाइस प्रेसिडेंट हैं राकेश कुमार डायरेक्टर है डायरेक्टर जनरल है आर के वर्मा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हमारे गगन भी इधर आए हैं जिस तरह मतलब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगन लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर है हमारे गगन मलिक भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं इन्होंने श्रीलंका में उन्होंने गौतम बुद्ध के ऊपर फिल्म की है और गौतम बुद्ध का रोल उन्होंने बहुत अच्छा उसमें किया है वो मुंबई में रहते हैं विशाल लिंगराज जी जो प्रेसिडेंट है बाइंग एजेंट एसोसिएशन के
वो भी यहाँ मौजूद हैं और आप सब लोग यहाँ आए हैं। एक तो कम से कम जिस तरह मैंने बोला कि 70 लाख लोग यहाँ हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, इन्हें काम और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत सारे जो हमारे हैंडीकैप होते हैं, डिसेबल होते हैं, ऐसे लोग भी मतलब बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं। मतलब अगर हाथ से भी नहीं, ऐसे हमारे दिव्यांगजन लोग हैं जिनको हाथ नहीं है वो पैर से भी काम करते हैं, जिनको पैर नहीं है वो हाथ से काम करते हैं, जिनको आँख नहीं है वो भी काम करते हैं। इसी तरह हमारे मतलब जो दिव्यांगजन लोग हैं, ऐसे दिव्यांगजन लोगों ने जो माल बनाया है उसको भी आपका मार्केट मिलना चाहिए और आप वो पूरा माल एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इंडिया में बहुत ही अच्छा काम चलता है, अभी दुबई में एक्सपोर्ट चल रहा है, 6 महीने तक एक्सपोर्ट चलेगा, उसमें हैंडीक्राफ्ट का है ना, उसमें हैंडीक्राफ्ट का भी मतलब साइज होता है, वो भी जो हमारा इंडिया का जो पैवेलियन है उस पैवेलियन में वो भी साइज होगा। तो मुझे लगता है कि ये काम बहुत ही जो हमारी जो विधवा महिलाएं हैं, हमारे गरीब समाज के लोग हैं, तो ऐसे लोगों को ऐसा ट्रेनिंग देने का भी काम जो है, आपकी संस्था तो एक्सपोर्ट करने वाली है लेकिन आपकी संस्था ने ट्रेनिंग देने का भी काम करना चाहिए। लोग आप मुझे मालूम होना ही है लेकिन आपके संस्था ने ऐसे कुछ लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए हैंडीक्राफ्ट का, ताकि वो अपनी रोजी रोटी भी कमाए, ताकि वो अपना पेट भरे। और इसी तरह हैंडीक्राफ्ट का साइज होता है, वो टिकाऊ होता है, बहुत ही अच्छा होता है और हाथ से मतलब बनाया हुआ जो साइज होता है, कपड़े में हाथ से भी कुछ डिजाइन हम बनाते हैं, तो उसके लिए भी मतलब इसी तरह का ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। हमारी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, मेरी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, मेरे सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट के लिए DNT के लिए स्किल ट्रेनिंग के लिए पैसा कर देते हैं। तो ऐसा स्किल ट्रेनिंग 8 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का अगर ऐसा होता है, वैसा अगर आप ऐसा जो स्किल ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है, वर्कशॉप है, वो अगर आप रखते हैं तो हमारे मंत्रालय की तरफ से मैक्सिमम मदद करने का काम मैं जरूर करूँगा। और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैंडीक्राफ्ट के लोगों को पूरा सहयोग देना चाहते हैं, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को पूरा सहयोग देना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास की उनकी भूमिका होती है। और जो सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा हर आदमी के हाथ में जाना चाहिए। जिस तरह बैंक अकाउंट में कभी गरीब लोग नहीं जाते थे, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 में स्कीम शुरू की और अभी तक कम से कम 43 करोड़ से ज़्यादा लोगों के अकाउंट खुले हैं, पूरे देश भर में 43 करोड़ से ज़्यादा लोगों के अकाउंट खुले हैं। और मेरा बैंक से संबंध है, ऐसी भावना उनके मन में सभी लोगों के हैं, वो भी मतलब काम है। और बाकी भी बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है। आयुष्मान भारत योजना में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपए एक फैमिली को हर साल के लिए मिलते हैं। वही तो बहुत सारी स्कीम है, किसानों के लिए बहुत सारी स्कीम बनाई है। उसी तरह मतलब हैंडीक्राफ्ट के लोगों को भी मैक्सिमम मदद भारत सरकार की नहीं हो सकती है, राज्य सरकारों की तरफ से भी जो मदद है मदद हम आप लोगों ने लेने की आवश्यकता है। और आज पूरे देश भर से यहाँ मतलब सभी हैंडीक्राफ्ट के लोग इधर आए हैं और ये फेयर 4 दिन तक चलेगा और यहाँ फ्री जो प्रोसेसिंग है ये प्रोसेसिंग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह के फेयर जगह जगह पर होना चाहिए ताकि सब लोग मतलब उधर आकर और उसमें मतलब उनको मार्केट भी मिल सकता है और इसका अच्छा प्रचार भी अच्छा होना चाहिए। इसीलिए आज मेरे हाथ से इसका उद्घाटन करने का मौका आपने मुझे दे दिया है और ये मौका मेरे लिए बहुत बड़ा आनंददायक है, मेरे लिए बहुत बड़ा अभिमान का आज का दिन है। और मतलब आज का दिन मतलब मेरा बड़ा रहा है अभिमान, आज का दिन मेरा बड़ा रहा है अभिमान।
मैं बढ़ा दूंगा भारत देश की शान। मुझे नहीं चाहिए किसी का सम्मान, मुझे नहीं चाहिए किसी का सम्मान, क्योंकि मेरे पास है हैंडीक्राफ्ट को मदद करने का ज्ञान। और जरूर मेरे मंत्रालय की तरफ से, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मैं लीडर हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोशल जस्टिस के साथ साथ इकोनॉमिकल जस्टिस सबको मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान हर एक आदमी को मिलना चाहिए, उनको पेट भरने का मतलब काम उनके मतलब उनके हाथ में हुई तो काम होना चाहिए। और उसके लिए नरेंद्र मोदी जी की कोशिश है कि सब गरीब लोगों को मदद करना, अमीर लोगों को भी मदद करना, उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी मदद करना। और आत्मनिर्भर भारत जो है, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भी हैंडीक्राफ्ट का एक उद्योग आता है, और इसीलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें बाहर से कोई सामान ना मंगाए, पूरा सामान हम यहाँ से भेज सकते हैं। अभी सब्जियां भेज रहे हैं, फ्रूट भेज रहे हैं, मटन भेज रहे हैं, कपड़े भेज रहे हैं, तो बहुत सारा सामान जो है, ये बहुत सारा सामान हम भेज रहे हैं। बहुत सारी मशीनरी जो हमें बनाने की आवश्यकता है, हमें अमेरिका से, जर्मनी से, फ्रांस से कोई मंगाने की आवश्यकता नहीं है। हम पूरा मतलब सामान बनाए और इसी तरह मतलब हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। और इसीलिए मतलब आज का जो फेयर है दिल्ली फेयर, ये आज हो रहा है ग्रेटर नोएडा में हो रहा है, और ये ग्रेटर नोएडा में होने वाला फेयर लेट है, मतलब ये फेयर लेट है, और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस होगा ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। और आप सब लोग इस सम्मेलन में आप आए, इस फेयर में आप आए, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, जिन्होंने प्रोग्राम यहाँ रखा गया है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आखिर में इतना बताना चाहता हूँ कि मैं करता हूँ तुम्हारे दुश्मनों का सामना, मैं करता हूँ तुम्हारे दुश्मनों का सामना, और मैं सभी हैंडीक्राफ्ट को देता हूँ मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।